हम सब ने इंस्टा से लिंक करके थ्रेड्स का अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन क्या थ्रेड्स सिक्योर है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको थ्रेड्स के हवाले से कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है थ्रेड्स कितना सिक्योर है। तो थ्रेड्स की डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज पर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं, जिस पर स्टैंप लगाई है यूरोपियन यूनियन। आपको बताता चलूं कि यूरोपियन यूनियन की डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए हर एप्लीकेशन वहाँ पे यूज नहीं की जा सकती। सिर्फ वही एप्लीकेशन वहाँ पे अलाउ की जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज में जो उनकी डाटा प्राइवेसी पॉलिसीज को मीट करती हों। अब इसी साल जनवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन का जो इदारा है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का, उसने मेटा को 377 मिलियन यूरो का फाइन किया है, जिससे हम दो चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के जो डाटा प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं, और दूसरा ये कि मेटा कितना सिक्योर। जनवरी में मेटा को फाइन हुआ, उसके बाद थ्रेड्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में। तो इस हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि यूरोपियन यूनियन ने थ्रेड्स को बैन कर दिया है यूरोप में। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने यूरोप में एक्सेस ही नहीं दी हुई थ्रेड्स के लिए। आप यूरोप में हैं तो आप थ्रेड्स नहीं यूज कर सकते, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है मार्क जुकरबर्ग की जानिब से, ताकि जैसे जनवरी में फाइन देना पड़ा आगे दोबारा फाइन ना देना पड़े। क्योंकि भाई साहब, आपको तो पता होता है आपने क्या तंत्रियां की हैं, आपने कैसी ऐप बनाई है, आपका डाटा प्राइवेसी पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं है, ये तो भाई पता है मार्क भाई को। इस वजह से चांस लेने ही नहीं है, रिस्क लेने ही नहीं है। और ये चीज उन उंगलियों को सही बताती है जो थ्रेड्स की तरफ उठी हुई है ऐसे घर। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो मुझे पता चले, तो मैंने कहा आपके साथ लास्ट शेयर करने चाहिए। आप खुद इन फैक्ट्स की बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि थ्रेड्स कितना सिक्योर है, सिक्योर है या नहीं है। अपनी मर्जी से, अपने अंदाजे के मुताबिक जो समझ आती है उस हिसाब से आप तुक्का लगा दें। बाकी ये कि फ़ायदा कोई भी नहीं, अकाउंट्स हमने बना लिए हैं और जिन्होंने नहीं बनाए उन्होंने बनाने, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे जाने की चुल होती है। नया अकाउंट है भाई, हम लाजमी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।